क्या फ़र्क है आप जानना चाह रहे हैं? मैंने एक सवाल किया है, हदीस कुदसी और कुरान एक जैसे हैं तो फिर सही हदीस में और हदीस कुदसी में क्या मामला है? तो बहरहाल कुरान के बाद हदीस कुदसी हो या सही हदीस हो, दोनों का मामला वैसा ही है। फ़र्क इतना है कि जब हदीस कुदसी का मामला आता है तो अल्लाह के रसूल अल्लाह से रिवायत करते हैं और कहते हैं तुम्हारा रब फरमाता है, मेरे रब ने मुझसे कहा, अल्लाह तुमसे कहता है, अल्लाह ने मुझसे कहा। तो यहाँ रसूलुल्लाह क्या करते हैं, रिवायत के अंदर अल्लाह सबसे पहले होता है, अल्लाह से रिवायत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा, सहाबा तबीईन, और मामला चलता है, बस इतना ही फ़र्क है। और सही हदीस में क्या होता है, रसूलुल्लाह से सहाबी और उसके बाद के दौर के लोग लेते हैं, वरना लेकिन उसके अमल के मुताबिक, अमल के मामले में दोनों ही बराबर है, हदीस कुदसी भी और सही हदीस भी। जी आपका आखिर वाले आखिरी।